बढ़िया सी ग्रेवी वाले चने हों और इसमें ऊपर से आलू और पनीर को मिलाकर बनाया जाए तो ये बहुत ही स्वाद बनते हैं। ये सब्जी की सब्जी और चने भी दोनों का स्वाद आता है इसमें। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए इस बढ़िया सी सब्जी को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप भीगे हुए चने। इन चनों को मैंने रात भर भिगो के रख लिया था, क्योंकि मैं ये सब्जी मॉर्निंग में बना रही हूँ इसलिए मैंने चनों को रात भर भिगो दिया था। अब इन चनों को हम एक कुकर में डाल देंगे। चनों को हम कम से कम हमें 6 घंटे तो भिगोना ही है, और अगर मॉर्निंग में बना रहे हैं तो ओवरनाइट भिगो सकते हैं, और अगर लंच में बनाना है तो सुबह भिगो सकते हैं इन्हें आराम से। 1 कप चनों के लिए अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। चने भीगे हुए हैं इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और साथ में ही 1/2 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, एक बार चने और हल्दी और नमक को मिक्स कर लेंगे, और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी आने तक इसे ऐसे ही फुल फ्लेम पर पकाएंगे, और जब 1 सीटी आ जाएगी तो फिर इसे सिम गैस करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, तो अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे और 10 मिनट के लिए सिम गैस पर इसे पकाएंगे। तब तक हम आलूओं को पकाने का प्रोसेस कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, और कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गर्म कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कटा हुआ आलू। आलूओं को मैंने पानी में काट के रख लिया जिससे ये काले नहीं पड़ते। इस तरह के टुकड़ों में आलूओं को काट लेंगे हम, और अब इन कटे हुए आलूओं को हम ये गर्म किए हुए तेल में डाल देंगे। आलूओं को हम थोड़ा सा भून कर फ्लेवर्ड करके नमक मिर्ची वगैरह डालकर फिर चने में डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब आलूओं को हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से ऑयल में भूनेंगे। आलूओं को फुल फ्लेम पर भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आलूओं की कोई कोई साइड, एक साइड है जो वो क्रिस्पी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन अब गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन का पेस्ट। ये 6-7 कली लहसुन की हैं जिसे मैंने पानी डालकर इसका वाटरी जैसा, बिल्कुल वाटरी बेस पे पेस्ट बना लिया है। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ सीधा, और लहसुन के साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही नमक, और 1/4 टीस्पून ही चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इन सबको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चा सा स्वाद निकल जाए और सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। इस तरह से सूखे मसालों के साथ, लहसुन पेस्ट के साथ हम इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाते आलू। अब हम इन आलूओं को गैस की सिम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते, पक नहीं जाते। और बीच बीच में इसको चला भी देंगे थोड़ी देर के लिए, और चेक भी कर लेंगे कि आलू कितने पके हैं। यहाँ पर चनों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को ऐसे ही रखा रहने देंगे जब तक इसमें से अपने आप स्टीम रिलीज नहीं हो जाती। यहाँ पर आलूओं को ढककर पकाते हुए कम से कम 3 मिनट हो चुके हैं मुझे, अब हम चेक कर लेते हैं। ये जो आलू हैं ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये कटा हुआ पनीर। इस तरह से काट लिया है मैंने पनीर को, ये 150 ग्राम पनीर लिया है मैंने। आप पनीर की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये पनीर को आलूओं के साथ कढ़ाई में डाल देंगे, और पनीर को भी आलूओं के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से भूनेंगे, एक तरह से सॉटी कर लेंगे, बस 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि पनीर के अंदर भी मसालों का फ्लेवर आ जाए जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर अब हम इसे कोई 1/2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, और बस 1/2 मिनट जब पक जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आलू और पनीर का पकने का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आगे का तड़के का प्रोसेस शुरू करते हैं। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए डाल देंगे, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ते, 3-4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे ऑयल में, और अच्छी तरह से इसको तड़कने देंगे। और जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से तड़क जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के
एक से दो टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने 7-8 कली लहसुन की और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके दोनों को अच्छी तरह से इनका मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। ये दरदरा सा पेस्ट बनाया है मैंने, इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब इसको लहसुन अदरक को हम थोड़ी देर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस अच्छा सा भून जाए तब तक हम इसे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। जब ये लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाए, यानी कि ब्राउन हो जाए अच्छा सा, तब हम इसमें ये पेस्ट किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इन्हें भी दरदरा सा इनका मैंने पेस्ट बना लिया है इस तरह का। अब ये प्याज के पेस्ट को भी हम लहसुन अदरक के साथ ब्राउन होने तक भूनेंगे और प्याज के साथ इसमें हम थोड़ी सी 4-5 बारीक कटी हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची को भी प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और ब्राउन होने तक इन्हें हम भूनेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है, बस अब हम इसे इतना ही भूनेंगे। मैंने इसे गैस की सिम फ्लेम पर बहुत ही धीरे धीरे आराम से भूना है। इससे क्या होगा कि प्याज जलता भी नहीं है और सब्ज़ी में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, एकदम भुने हुए प्याज का टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। और अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज पेस्ट किए हुए। इन्हें मैंने इस तरह का दरदरा पेस्ट कर लिया है। अब हम इन पेस्ट किए हुए टमाटरों को प्याज के साथ थोड़ी देर तक भूनेंगे, पकाएंगे, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ढक कर गैस की फुल फ्लेम पर 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे कि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे टमाटरों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं और जो पेस्ट हमारा लिक्विड सा था ना, ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, पेस्ट की तरह बन चुका है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, लेकिन मसाले ऐड करने से पहले हम गैस की फ्लेम को सिम कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक हमने आलू और पनीर की सब्ज़ी में भी यूज़ किया है, चनों में भी यूज़ किया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमें नमक लगे उतना हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे चटपटा सा स्वाद देने के लिए 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं अमचूर पाउडर। हम इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला यूज़ करें तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। और अब साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर चना मसाला। ये रेडीमेड चना मसाला है जो मैंने मार्केट में से लिया है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है ये। अब इन सारे सूखे मसालों को हम टमाटरों के साथ मिक्स करेंगे, लेकिन गैस की सिम फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे इन्हें, और मिक्स करके करीब 1 मिनट तक भूनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और उनका फ्लेवर सब्ज़ी में एकदम खिल कर आए, उठ कर आए। अब मसालों को भूनते हुए देखिए 1 मिनट हो चुका है, मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है इनमें से। तो अब जब हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तब हम इसमें डालेंगे ये जो बॉईल किए हुए चने हैं ना, ये वाले हम इसमें डाल देंगे। पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे। अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे और मसाले और चनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे चनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब अब पानी ऐड करूँगी। ये 1/2 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह की ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर गाढ़ी कंसिस्टेंसी की सब्ज़ी पसंद करते हैं तो पानी कम डालिए, अगर इससे भी ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी आपको पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब चनों को और मसाले को हम 1-2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। चनों को ढककर पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चने जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अच्छे बॉईल हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ये ऐड करेंगे जो आलू और पनीर हमने पका कर रखे थे ना पहले से, वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ में ही थोड़ा सा अदरक का लच्छा भी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ये लंबाई में कटी हुई 2-3 हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं।
अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए सब्जी का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, बहुत ही अच्छी लग रही है। चने की सब्जी तो हम अक्सर खाते ही रहते हैं, इसे आलू और पनीर को मिक्स करके भी बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आलू और पनीर मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देते हैं। धनिया डालने से सब्जी की लुक, सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। अब धनिए को चनों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी आलू चना पनीर की बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है। आलू चने की सब्जी को लंच में, डिनर में चपाती पराठे के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर घर पर कोई गेस्ट आ जाए तो इसे पूड़ी के साथ ज़रूर बनाइए। पूड़ी के साथ आलू चने पनीर की सब्जी खाकर गेस्ट बहुत खुश होंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।